नमस्कार, किरण माहेश्वरी कुकिंग एक्सपर्ट .com में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल बहुत ही यूनिक बर्फी की रेसिपी। तिल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आप 250 ग्राम तिल ले लें। अब आप एक कढ़ाई को गैस पे रखें, इसमें 250 ग्राम तिल डाल दें। इन्हें लो टू मीडियम आंच पर सेकें। तिल को आप कंटिन्यू चलाते हुए सेकें। इन्हें हमें ज्यादा नहीं सेकना, इसमें से हल्की हल्की आवाजें आने लग जाएगी या फिर हल्की खुशबू आए तब तक इन्हें सेकें। तिल में से चटकने की आवाज आने लग चुकी है, आप सुन सकते हैं। बस इससे ज्यादा हमें नहीं सेकना, गैस को बंद कर दें। कुछ देर के लिए आप तिल को चलाते रहें क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है। अब तिल को आप प्लेट में निकाल लें और इन्हें ठंडा होने दें। तिल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब आप एक ग्राइंडर जार लें, इसमें तिल को डाल दें और इसे दरदरा पीस लें। ना तो इसका बारीक पाउडर बनाएं और ना ही ज्यादा मोटा रखें, दरदरा पीसे। मैंने तिल को दरदरा पीस लिया। अब एक कढ़ाई को गैस पे रखें, इसमें 150 ग्राम घी डाल दें। घी को मेल्ट होने दें। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें पिसा हुआ तिल डाल दें। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा सेकें। आंच को आप लो टू मीडियम रखें, तिल को ज्यादा नहीं सेकना है। अगर ज्यादा सेकते हैं तो भी कड़वाट आ जाती है और कम सिका हुआ तिल भी कड़वाट देता है। तिल में से बढ़िया खुशबू आने लग चुकी है, तिल अच्छे से सिक चुके हैं। आप गैस को बंद कर दें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है। सिके हुए तिल को किसी थाली में ट्रांसफर कर लें। मैंने फिर से सेम कढ़ाई को गैस पे रखा है, इसमें 200 ग्राम पानी डाल दें, 200 ग्राम शक्कर डालें और 100 ग्राम गुड़ डाल दें। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट करें। अब हम बर्फी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। बहुत ही अलग तरीके की यह बर्फी बनेगी, आप एक बार जरूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। गुड़ और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करें। आगे मैं आपको चाशनी को चेक करना भी बताऊंगी, इसका सारा खेल चाशनी पर ही है। चाशनी को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी ये थोड़ी पतली है, इसे 1 से 2 मिनट और बॉईल होने दें। चाशनी को बनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप एक कोई भी कटोरी ले लें, इस पे हल्की सी चाशनी लगाएं, आप देखेंगे कि अच्छे से चिपक के आ रही है, तो ये चाशनी परफेक्ट है। एक तरीका मैं आपको चेक करने का और बताती हूँ, कोई भी एक कटोरी ले, उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, कुछ ड्रॉप्स चाशनी के डालें, कुछ सेकंड के लिए रुकें। अब आप इसको इकट्ठा करें, ये एक दलिया की तरह बन रहा है, बस इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, आप गैस को बंद कर दें। अब इस चाशनी को आप किसी थाली में ट्रांसफर कर लें और इसे हल्का ठंडा होने दें, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, चाशनी अभी बहुत गर्म है। चाशनी हल्की ठंडी हो चुकी है, अब आप इसे पलटते जाएं और पूरी तरह से ठंडा करें, फोल्ड करते जाएं। चाशनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल भी हाथ पे नहीं लग रही है। अब चाशनी को आप सिके हुए तिल में ले लें। सारी चाशनी को इसमें डाल दें। मैंने सारी चाशनी को तिल में ले लिया है, अब आप इसे अच्छे से मिक्स करें। तिल और चाशनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं,
अब आप जिस प्लेट में बर्फी जमाना चाहते हैं उसे ऑयल से ग्रीस कर लें और ये इसमें रख दें और इसे अच्छे से फैला दें। मैंने सारी बर्फी को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कटी हुई बादाम लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप लाइक करते हैं तो लगाएं। कुछ पिस्ता, और इसे भी हल्का सा दबा दें। अब आप इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख दें। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब आप नाइफ ले लें और पूरी बर्फी पे कट लगा दें। आप अपने मनचाहे आकार में इसे कट करें। मैंने सारी बर्फी पे कट लगा लिया। अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ। बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनती है। आप एक बार जरूर ट्राई करें।